निकलते हैं आज कॉलेज के लिए, ठीक है? तो देखते हैं। काउंटू में रहती हूँ। 10 मिनट वेट करने के बाद खेलेंगे। पहले तो जो 1 घंटा रख लो। बट हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी आज एक नई वीडियो में। तो आज है हमारा एग्जाम दूसरा, निकलते हैं आज कॉलेज के लिए, ठीक है? तो देखते हैं, आगे का अपडेट देते हैं आपको, क्योंकि आज तो एग्जाम है। निकलते हैं, पहले पीते चाय पी के निकलते हैं कॉलेज। कॉलेज चल के दिखाते हैं आपको आगे का क्या सीन रहता है आज का। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, तो मिलते हैं आपको कॉलेज जाकर। ये एग्जाम की तैयारी चल रही है हर तरफ, देख सकते हैं आप कैंटीन में बैठ के। 9:30 एग्जाम है, अभी तैयारी चल रही है एग्जाम की हर जगह। हमारे ग्रुप में भी चल रही है तैयारी। उर्दू दिखाएगा तू? तो उर्दू का ही हूँ, तो शर्म वाली क्या बात है? हाँ, शर्म मत करिए, मैं बता रहा हूँ। तो मैं मेट्रो में पढ़ती रही हूँ, क्योंकि शर्म शर्म नहीं आया आपको? आनी भी नहीं चाहिए, हमारी उर्दू है, मातृ जुबान है। एक शेर हो जाए उर्दू में, उर्दू आया उसको क्या है? दो लाइन का, बिना देखे उर्दू रखिए, बिना देखे एक शेर। अर्ज किया है, अर्ज किया है, काउंटू में रहती हूँ, फूलों में सोती हूँ। वाह वाह, वाह 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 वाह, वाली शायरी सुना दे, ट्रक के पीछे वाली। मिलते हैं आपको एग्जाम के टाइम, ये कोई नहीं देखेगा। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? गालिब का शेर है। उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब। जो अपने हैं, जो अपने हैं जरूर आएंगे, वो लौट के जरूर आएंगे। वाह वाह। तो ये है हमारा आज कार्डबोर्ड, स्केल, आईडी कार्ड, 2 पेन, और बैग में डाल रहे हैं फोन वगैरह, क्योंकि एग्जाम है। तो मिलते हैं हम एग्जाम देने के बाद। तो फोन कहाँ रखे जाए? तो अभी हम आ गए, हमारा एग्जाम हो गया खत्म, अच्छा हुआ एग्जाम। पहले जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा नहीं पता था, बट वो कर रहे हैं। तो अब पूछते हैं मास्टर से सब अपने दोस्तों को, इनका एग्जाम कैसा हुआ? यार आपका एग्जाम कैसा हुआ बताएं आप कुछ? अच्छा था, बहुत फील वाला था आज का। तो लास्ट पे जो अब आपकी शीट ले ली गई, आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? कुछ भी नहीं, सर की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने क्लियर भी नहीं की, मैंने जो सॉरी बोला, फिर बोलते मुझसे कि 10 मिनट वेट करने के बाद मिलेंगे। मैंने सोचा 1 घंटा रख लो, बट लास्ट क्वेश्चन था ना, क्या कर सकते ना, फौरन ला के देंगे। चलो आपका एग्जाम अच्छा गया। मतलब BTS से इधर हम आपको अपने साहिल भाई से, कैसे साहिल भाई? बढ़िया। समोसे आ जाते हैं साइड पे, बर्गर वगैरह, केक, और ये क्यू आर अगर कोई पैसे भेजना चाहता है तो भेज सकता है साहिल भाई को, और ये सैंडविच वगैरह। इधर चल रही है डिस्कशन खाने की, कुछ क्या खाना है? आप क्या खाओगे? मतलब जो ये लाएगा। आप क्यों बोल रहे हो, तू क्या खाएगा? क्या खाएगा? मैं खाऊंगा, क्योंकि पैसे ही। निगार क्या खिला रही है? क्या खिला रही है? BTS वाली इंडियन फूड नहीं खाते, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। अब इसको इसके लिए चूहे रोस्ट करने पड़ेंगे। शीशा है कैंटीन का, तो यहाँ पर हाथ वगैरह धोते हैं और खाते हैं हम समोसा। मिलते हैं आपको समोसा खाकर, बाय बाय। कैंटीन के बाहर का रश देख रहे हो आप? एग्जाम खत्म हुआ, हम आपको मिलाते हैं राजेंद्र कटोच से, ये खा रहे हैं समोसा। आने तो दे कटोच। हाँ हाँ, कुछ और दे। इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज था हमारा शिबली का एग्जाम, और ये भाईजान मेरे को वहाँ से आवाज मार के पूछते, जो पहला क्वेश्चन है वो किस शायर का है, और इनको मैंने बोला इकबाल का, और इकबाल का ही लिख कर आए ये। गाइस आप इनके खाने का तरीका देख सकते हैं, ये राजेंद्र बहुत अच्छे से जानते हैं। ओ फिर ठीक है,
तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है तारिक यादव और आप देख रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं किसी को आपका नाम जानने में। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोरा ही कोरा इसके बीच में से कुछ बीच में से छलांग मार और चारों तरफ कोरा ही कोरा ये छोटा डोल देख सकते हो गाइस ओवर एक्टिंग चालू हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी क्या भी अनसब्सक्राइब करें लाइक डिसलाइक करें अनफॉलो करें शर्म है यार बेच खाई हमने अब हमको शर्म नहीं आती गाइस आप देख सकते हैं आप असलियत देख सकते हैं गाइस ये बहुत जरूरी देखना गाइस आप देख सकते हैं मैं वॉशरूम से होकर नहीं आई आई डे यू टू किसी लड़की के पास जाओ और उसका नाम पूछ के आओ तुम बता मैंने सड़की का नाम है ब्लैक में और देखो गाइस मैं ज़ूम कर लेती ब्लैक एंड ब्लू जी हां ब्लैक एंड ब्लू जी दिस आस्क फॉर मी नेम जस्ट नेम Go, 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 on the rest. ये कौन आ रहा है कैसा हुआ एग्जाम कैसा क्या इतना लेट क्यों आया तू इतना लेट क्यों आया मैं पढ़ रहा था बैठ के एग्जाम चलो अच्छा हो गया ना बहुत बढ़िया दाऊद भाई कैसे हो रुक जा कैसे हो एग्जाम कैसा हुआ बहुत तगड़ा गया अच्छा गया ना अरे भाई बढ़िया आपका कैसा गया एग्जाम ये हमारे शिवम भाई ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से तो मिली है इनसे और बढ़िया कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ आगे की लाइन बताओ ना है तमन्ना कि तुम्हें दुल्हन बनाए ये वाली आशिक बनाया आपने आशिक बनाया आपने तेरे बिन क्या था तेरे बिन राम राम तेरा नाम पुकारे हाय गाइस ये वही है सस्ते सिंगर वो एग्जाम्स के लिए ना तुम्हें जो स्टार्टिंग का कवर अप पेज चाहिए होगा ना वो तुम एग्जाम पेन और पेपर बोर्ड लेके कहाँ से लाते हो तुम हमारे कान के पर्दे हिला रहे हमारे कान के पर्दे हिला रहे गाइस खतरों के खिलाड़ी सीजन 3, 4, 5 देख सकते हैं हम निगाह तारे से कितनी लंबी है एक मिनट हम जाकर घर चलने चलो गाइस बाय बाय टाटा सब्सक्राइब करें मेरे कवर की बिल्कुल आप तारीफ कर सकते हैं ब्रांड न्यू फोन लिया अभी गई मैं आईफोन गाइस दोस्तों ये मुन्ना भैया है अगर किसी ने देखा है वो मिर्जापुर ठीक है भाईजान अल्लाह हाफिज गाड़ी बंद की हो गया अब यो कैसे आप सब अच्छे से होंगे तो अभी हम आ गए कॉलेज से वापस तो एग्जाम वगैरह हो गया खत्म तो अब हमारा 27 को एग्जाम तो अब बनाते हैं खाना वाना खाते हैं तो आज के व्लॉग को हम करते हैं यही पर एंड तो उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करें और जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें जैसे प्यार कर रहे हैं आप 200 सब्सक्राइबर्स हो गए इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन के करेंगे हम तो तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ तब तक बाय बाय